Kashmir News Service presents. Hello and welcome, I'm Sajjad and you're watching Kashmir News Service. We have seen that since this COVID-19 has started, it has affected the economy of Jammu and Kashmir. Every business activity came to a pause in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and it has also affected the automobile sector. So how at the moment automobile sector is overcoming the loss that it has suffered in the times of COVID-19, and what are the challenges they are facing at the moment and how they are overcoming these challenges? I have with me in right side the Managing Director of Jammu Kashmir Vehicles, Mr. Irfan Ahmed. So we will just go him and ask him what are the activities they are going to take, they are taking at the moment. And I would also like to tell you that in the COVID-19, the administration has asked these automobile sectors just to provide the home service and road service to the vehicle owners. So how they have taken that initiative, we will just try to know him from the Managing Director of Jammu Kashmir Vehicles. Irfan sir, pehle to aapka bahut bahut shukriya. पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जब कोविड-19 शुरू हुआ तो जितने भी इदारे थे, जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज होती थी, वो एक पॉज पे चली गई क्योंकि कोविड-19 था, लोग बाहर नहीं जा रहे थे। आपने आपके सामने कैसे चैलेंज थे, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज थी या जो इकोनॉमिक लॉस हुआ तो क्या हालात रहे? मार्च 20 से जब एक बार सब कुछ बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19, द रिस्ट्रिक्शंस वेयर देयर, इमीडिएटली we went to the administration came forward and we started service at home. Any breakdown for any vehicle was taken care of. We are highly grateful to the district administration. In all districts we had 10 mobile workshops which we are giving 24/7 service all through COVID. That is how we bounced back and we started the business again. We had more than 1300 employees, and with the grace of God and with the support of administration, there was almost negligible attrition. तो सर जब जो आपने कहा कि हमने जो सर्विस ऑन रोड सर्विस भी हम प्रोवाइड करते थे कोविड के दौरान या होम सर्विस, तो क्या वो सर्विस अभी भी अवेलेबल है? अभी भी है, वी हैव सर्विस ऑन व्हील्स. कभी भी किसी को भी चाहिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो सब कस्टमर्स के पास रहते हैं, उनको कभी भी चाहिए तो हम वी गिव सर्विस एट देयर ओन डोर स्टेप्स और एनीवेयर ऑन द रोड इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन. तो इकोनॉमी की बात हुई कि जो इकोनॉमी सफर हुई, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया क्योंकि जो बिजनेस शट डाउन हुआ था, तो आपकी सेल्स में भी नेचुरली इफेक्ट हो गया. क्या वो सेल्स अब मशीन राइज शुरू होना हो गई कि अभी भी? वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, आवर टीम इज वर्किंग 24/7. We are a resilient race. We are trying to bounce back, and with the grace of God, very soon we'll achieve that. तो एक्सीडेंट्स के हवाले से अगर बात करें, जो रोड एक्सीडेंट्स हुए, अगर देखें कि कश्मीर में भी डेथ्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है रोड एक्सीडेंट की वजह से, तो किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे, जो रोड इंजीनियरिंग है या और कोई रीजन है या ड्राइवर जो है रेस्पॉन्सिबल? हम एक को तो नहीं, ये हर तरफ हर एक की जिम्मेदारी है. अवेयरनेस जहाँ तक ताल्लुक है, अवेयरनेस हैज टू स्टार्ट मच अर्ली इन स्कूल, जहाँ एक बच्चे को रोड साइंस पता हो, सब कुछ हो. और फिर जहाँ तक रोड्स का सवाल है, नई सड़कें, वाइडर रोड्स, यही सड़क जब आप साउथ कश्मीर जाते हैं वहाँ फोर वे है, यही सड़क जब आप नॉर्थ कश्मीर जाते हैं वहाँ टू वे है, घंटों लगते हैं. और क्योंकि वन वे नहीं है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है, तो वी नीड न्यू रोड्स, वी नीड बेटर रोड्स, बट एट द सेम टाइम अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर अवेयरनेस की आपने बात की, पहले भी हुआ था कि एक जो कैरिकुलम हमारे पढ़ाया जाता है उसमें साइंस है, इंग्लिश है, बाकी सब्जेक्ट्स है, ये भी एक सजेशन आएगी कि ट्रैफिक के हवाले से इसमें एक अवेयरनेस के लिहाज से कैरिकुलम में शामिल होना चाहिए. बिल्कुल, स्कूल लेवल पे जो है आपकी मॉरल साइंस है, तो इससे ऐसी चीजें हम स्कूल्स के लिए, जहाँ तक भी स्कूल्स को हमारी किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्कूल में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जहाँ बच्चों को अवेयर करें, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन पूरा जो है जिस तरीके से हैं, चार्ट्स हैं, बाकी हैं, ट्रैफिक वीक्स कंडक्ट किया जाए सो दैट वी आर एबल टू मेक द पब्लिक अंडरस्टैंड वो ट्रैफिक रूल्स आर.
सो जब से कोविड शुरू हुआ कि देर हैज बीन अ शिफ्ट, जो ऑफलाइन बिजनेस यूनिट्स थे वो ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन अब ज्यादा हो गया है, तो क्या आपने इस हवाले से कोई ऑनलाइन, मतलब जो कस्टमर से वो अब ये नहीं चाहते कि बाहर ज्यादा जाना पड़े, यूनिट्स पे जाना पड़े, शॉप्स पे जाना चाहिए, अब वो ऑनलाइन ही ज्यादा सिस्टम हो रहा है, तो ऑनलाइन के हवाले से आपने? हमारी मैक्सिमम फॉर्मेलिटी जो सिटी में है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट होती है। अल्टीमेटली हम या तो कस्टमर हमारे पास आता है या हम कस्टमर के घर गाड़ी डिलीवर करने जाते हैं, मगर बाकी जो देहात वगैरह हैं वहाँ अभी जो ऑनलाइन है वो कम है। वी स्टिल हैव टू गो टू द डोर स्टेप्स ऑफ द कस्टमर, आवर मार्केटिंग टीम गोज फ्रॉम डोर टू डोर एंड दे ऑर्गेनाइज। सर जब से ये 370 खत्म हो गया, अब ये भी कहा जाए कि इंडस्ट्रीज होंगे या बाकी बाकी इदारे कश्मीर में आएंगे, तो कहाँ देख रहे हैं आप ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में? ऑटोमोबाइल मैं पहले भी कह चुका हूँ काफी बार कि वी आर 26 व्हीकल्स पर 1000 विच इज द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप बाकी मुल्क देखें यूएस वगैरह, उसके साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मगर जो हमारे आसपास भी हैं मुल्क हम उनके भी नज़दीक नहीं, तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी इंडस्ट्री खुलेगी जितने होगा ऑटोमोबाइल एक्सपेंड होगा जरूर होगा तो आखिर पर आपकी कोई मैसेज लोगों से या कस्टमर से, आपके जो एम्प्लॉयज हैं या गवर्नमेंट से कोई? मेरी एक ही मैसेज है कि इट इज हाई टाइम वी नीड टू पुल आवर सॉक्स एंड बी रेडी फॉर द कंपटीशन व्हिच इज कमिंग। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके थैंक यू। सो दिस वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर कलर्स। ही हैज अ मैसेज दैट वी टू आर स्ट्रगलिंग इन दिस COVID affected duration, but they are trying their best to give a comfortable, they are giving a best service to their customer. They are also requesting the people not to drive harshly and stay safe and take care. I'm Sajjad for Kashmir News Service, Srinagar. Thanks for watching Kashmir News Service.